नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग सोनपुर पघारी पंचायत में है, जो कि अक्सर विवादित पंचायत ये रहा है, और यहाँ साप्ताहिक जांच होता है। सरकार के द्वारा जो प्रोटोकॉल निकाला है उसमें साप्ताहिक जांच का मतलब ये होता है, जो सरकार ये देखना चाहते हैं जो आखिर इस साप्ताहिक जांच में सप्ताह भर में पंचायत में क्या काम हुआ और कैसे हुआ, इनका जानकारी लेना होता है। लेकिन इस जांच के नाम पे फॉर्मेलिटी सिर्फ किया जाता है, सिर्फ कागज के ऊपर बनाया जाता है, जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई आज तक न हुआ है और न होगा, क्योंकि ये बिहार है साहब, ये बिहार है। यहाँ जो है ना, जांच के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। आज हमारे प्रखंड के जो है सीओ साहब आए हुए हैं, विमल कुमार कर्ण जी, साप्ताहिक जांच के लिए सोनपुर पघारी पंचायत में। हम इनसे बात करेंगे और सर से पूछेंगे जो आखिर ये साप्ताहिक जांच क्या है और क्यों किया जाता है, आपसे, और ये खुद बताएंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो हमको ये मौका दिए। इस पंचायत में नल जल का स्थिति अच्छा नहीं है, संतोषप्रद नहीं है। मात्र दो ही वार्ड में संचालित है और वार्ड का नल जल किसी न किसी कारण से बंद है। आंगनबाड़ी मिला जुला के आंगनबाड़ी का संचालन ठीक ही कहा जा सकता है, विद्यालय भी ठीक है। मनरेगा के एक दो योजना देखा गया है, वो योजना संतोषप्रद माना जा सकता है। सर, मध्य विद्यालय पे आप सोनपुर मध्य विद्यालय पे गए थे? हाँ, सोनपुर मध्य विद्यालय पर आने के समय विद्यालय का संचालन का अवधि समाप्त हो गया था, लेकिन विद्यालय में रसोईया सबके द्वारा बताया गया जो शायद 10 बजे तक ही चलती है, तो वहाँ जांच नहीं हो पाया। सर, इससे पीछे जो आए थे सीओ साहब जांच के लिए, साप्ताहिक जांच के लिए, तो उनमें उनसे भी कहा गया था वहाँ पे 6 शौचालय मनरेगा के द्वारा पास किया गया, जो कि वहाँ का प्रधानाध्यापक के द्वारा उनका NOC भी दे दिया गया, और अभी तक वो शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। आज तो भेंट नहीं हुई, इसलिए उस कारण को का निदान नहीं बता पाएंगे। तो भेंट अगर होती उन लोगों से तो निश्चित रूप से उसका अति करते हम लोग। और सर, मनरेगा से क्या आपको लगा, मनरेगा का योजना कैसा चल रहा है? मनरेगा का योजना में गुणवत्ता का सुधार करना पड़ेगा उसमें, और एक 15वीं बीच से नाला बना हुआ, अच्छा नाला बना हुआ था जी। 15वीं बीच योजना से बना हुआ है तो अच्छा था जी। जो अच्छा तो सर, हम लोग भी खुद रह के वहाँ काम करवाएं, क्योंकि एक्चुअली हमारा गाँव है तो नाला का निर्माण तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा था, लेकिन कुछ सर मनरेगा वाला गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा जी। गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। बाद बाकी सब कार्यकाल जो है मुखिया जी का सही है? हाँ, मिला जुला कर सही कहा जा सकता है। नल जल पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उनको। सर, और कुछ अनियमता पाया गया? डीलर का देखे हैं तो खाद्यान्न तो वितरण करता है, कोई शिकायत जनता तो नहीं बताई है। अगर शिकायत बताती तो उसे मिल से भी देखा जाता सर, लेकिन आधा किलो काट लेता है डीलर, ये तो सच्चाई है। शिकायत नहीं कोई किया, स्थल पर ग्रामीणों के द्वारा अगर शिकायत किया जाता तो उसका जांच कर। वितरण का समय में आइएगा तब ना बताएगा ग्रामीण, ऐसे कहां बताएगा सर। वितरण तो अब लोग कै बजे करता है, तो समय अभी वितरण का ही, लेकिन अभी कोई शिकायत तो ग्राहक किया नहीं। सर, आंगनबाड़ी केंद्र पर गए तो वहाँ पे उपस्थिति बच्चे का कैसा रहा? 18-20 का उपस्थिति है, दो चार तो अच्छा भी मिला, खराब भी मिला। आइए, एक ग्रामीण है जिनके द्वारा बार बार आरोप लगाया जाता था जो पंचायत में काम सही नहीं हो रहा है, और आज ये खुद सीओ साहब के साथ घूम रहे हैं और खुद ये कर रहे हैं, बताइए कैसा लग रहा है आपको? क्या अभी अंचल अधिकारी बिरोल के द्वारा जहाँ जहाँ गए, आंगनबाड़ी केंद्र पर गए तो वहाँ भी बच्चा का उपस्थिति था, चाहे जिस कारण से हो। दो एक मनरेगा रोड का भी निरीक्षण किए सोनपुर पघारी के बीच, उसमें सीओ साहब कहवे किए जो गुणवत्ता का अभाव है सुधार किया जाएगा। मध्य विद्यालय पघारी पूर्वी का भी निरीक्षण किए तो वहाँ ठीक ठाक पाया गया, जनवितरण प्रणाली का कोई शिकायतकर्ता नहीं मिला। आपके पंचायत में काम सही हो रहा है या नहीं? न, काम जो हो रहा है वो काम धरातल पर हो रहा है। कोई गिला शिकवा शिकायत अभी के डेट में नहीं है ना। कहीं न कहीं गुणवत्ता का जो कमी है उसमें कहे है सुधार किया जाएगा। देखिए, शंकर जी ये पघारी इनका गांव हुआ, यही आदमी सबसे पहले एक बार आरोप भी लगाए थे हमारे चैनल के माध्यम से ही, लेकिन आज जब जांच पदाधिकारी के साथ घूमे तो इनको भी संतुष्टि मिला और अच्छा है इन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी का और जांच पदाधिकारी का, जो इन्होंने आके जांच किए और जो सुधार करने के लिए गुणवत्ता में कमी था कहे, इसके लिए धन्यवाद। और मुखिया जी को भी धन्यवाद जो पंचायत में सही ढंग से वर्क करवा रहे हैं और कर रहे हैं।